स्टूडेंट्स आप अपनी हिंदी की बुक निकालिए। इसका फर्स्ट चैप्टर वंदना। हे ईश्वर, हे भगवान, मांग रहे यही वरदान। हे ईश्वर, हे भगवान, हम यही वरदान मांग रहे हैं। पढ़ लिख कर गुणवान बने, वीर बने, बलवान बने, भारत माता के चरणों में अर्पण कर दे निज प्राण। हम पढ़ लिख कर गुणवान बने, बलवान बने, वीर बने और भारत माता के चरणों में अपने प्राणों को न्योछावर कर दें। हे ईश्वर, हे भगवान, हम आपसे यही वरदान मांग रहे हैं। तूने दिए हमें फल फूल, कभी ना जाएं तुमको भूल। हम बालक हैं निपट अनजान, प्रभु विनती कर दीजिए ध्यान। तूने हमें फल फूल दिए हैं, दुनिया में सब कुछ दिया है, कभी हम तुमको ही ना भूल जाएं। हम बालक बिल्कुल अनजान हैं, अबोध हैं। हे प्रभु, इतनी विनती करते हैं कि हम पर ध्यान दो। हे ईश्वर, हे भगवान, मांग रहे हम यही वरदान। दुखियों का हम दुख मिटाएं, भूलों को हम राह दिखाएं। करे सदा ऐसे शुभ काम, जिससे चमके जग में नाम। ऐसी शक्ति दो हमें कि हम दुखियों के दुख मिटाएं, भूले राहियों को रास्ता दिखाएं और जगत में ऐसे अच्छे काम करें जिससे कि हमारा नाम चमके। हे ईश्वर, हे भगवान, हम आपसे यही वरदान मांग रहे हैं। बड़े प्रेम नहीं करें लड़ाई, रहे सदा मिल भाई भाई, मिटे गरीबी बने धनवान, सदा करें गुरुओं का मान। हमारे बड़े प्रेम हमसे, हम आपस में कभी नहीं लड़ाई करें, हम में प्रेम बढ़े और हम सब मिलकर भाई भाई मिलकर सब रहें, भाई भाई की तरह मिलकर सब रहें और गरीब, जिससे कि गरीबी मिटे और हम धनवान बने और अपने गुरुओं का, अपने से बड़ों का, बुजुर्गों का हमेशा मान करें। हे ईश्वर, हे भगवान, मांग रहे हम यही वरदान। हम आपसे यही वरदान मांग रहे हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आप आज अपनी नोटबुक में, हिंदी की कॉपी में इसके शब्दार्थ जो हैं वो अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखेंगे। सबसे पहले गुणवान, इसका मतलब है गुणों वाला। निपट, बिल्कुल। अनजान, इसका मीनिंग है भोले। निज, अपने। जग, संसार। मान, आदर। सो स्टूडेंट्स अब हम कल मिलेंगे।